भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी LRO नहीं खोज पाया। नासा का कहना है कि अब हम विक्रम लैंडर को दोबारा अक्टूबर में खोजने का प्रयास करेंगे। नासा LRO के वैज्ञानिकों ने बताया है कि विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर गिरा था। 17 सितंबर को LRO ने उस इलाके के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन शाम का माहौल होने की वजह से उस जगह की सही तस्वीर नहीं आ पाई, इसलिए हम लैंडर विक्रम को खोज नहीं पाए। इसे दोबारा अक्टूबर में खोजने का प्रयास करेंगे जब वहाँ पूरी रोशनी होगी। हालांकि इधर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बेहतरीन काम कर रहा है, उसके सारे पेलोड सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऑर्बिटर ने चांद की सतह को लेकर प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। हमें लैंडर से कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन हमारा ऑर्बिटर अभी भी चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। विक्रम लैंडर के साथ क्या गलत हुआ, इसकी जाँच राष्ट्रीय स्तर की कमेटी कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद भविष्य की योजना पर हम काम करेंगे। उन योजनाओं के जरिए प्रक्रियाएं और अनुमतियों की जरूरत पड़ती है, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। बता दें कि 5 दिन पहले यानी 21 सितंबर को इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा था कि मिशन चंद्रयान 2 के बाद अब इसरो गगनयान मिशन पर फोकस करेगा। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने शनिवार को यह भी कहा कि चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क नहीं हो पा रहा, ऑर्बिटर काम कर रहा है। ऑर्बिटर में 8 उपकरण लगे हैं और प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। अब हमारी अगली प्राथमिकता गगनयान मिशन है। LRO के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोआई पेत्रो ने बताया कि चांद पर शाम होने लगी है। हालांकि तस्वीरों की वजह तो सामने आ गई है, LRO ने तस्वीर भी ली है जहां पर विक्रम ने लैंडिंग की थी, लेकिन फिलहाल विक्रम का कोई पता नहीं लग पाया है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।